फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका पसीना निकलना पूरी तरह से बंद हो गया है। तो अब सब सवाल ये है कि आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी बॉडी की गंदगी कहाँ से निकालें, बॉडी को डिटॉक्स कहाँ से करें, बॉडी का बॉडी फैट, चर्बी, मोटापा कहाँ से बर्न करें। जिम भी जाते हैं, नहीं बॉडी फैट निकलता है, यानी कि वजन कम नहीं होता है, बिकॉज उतना ज़्यादा पसीना नहीं निकलता है। आप सब चाहते हैं कि हम सर्दियों में सिर्फ रजाई में बैठे खाएं और वजन अपने आप कम होता रहे। तो जी हाँ, आज एक ऐसी रेमेडी के साथ मैं आप सबके सामने आई हूँ, किस तरह से सर्दियों में बॉडी को कम करें, वेट कम करें आप अपना बहुत ही हेल्दियर वे में, बॉडी की स्वेलिंग कम करें और वो भी यूरिन के थ्रू। जी हाँ, यूरिन के थ्रू आप बॉडी की जो चर्बी है उसे कैसे कम करें। साथ ही साथ बहुत ये जो मैं रेमेडी बताऊंगी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ऑलरेडी बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं और जो है मतलब बहुत ही अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने बॉडी को टोन अप किया है, खुद मैंने भी बॉडी को टोन अप किया है उस रेमेडी के थ्रू। और ऑसम से भी माइंड ब्लोइंग चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बात करने चाहती हूँ आप लोगों के अवेयरनेस के लिए, बिकॉज मैं अभी एक जगह गई थी और मैंने वहाँ पे कुछ गर्ल्स से बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जानती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये क्या कप होता है, ये कोई किसी तरह का चाय पीने वाला कप है। तो मैंने बोला नहीं, मेंस्ट्रुअल कप। तो एक बार मैं फिर से आपको वीडियो में इसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप एक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑलरेडी से यूज़ कर रही हूँ और मुझे 1.5 से 2 साल हो गया यूज़ करते हुए, और इसी मेंस्ट्रुअल कप यानी मैं 10 साल इसे यूज़ करने वाली हूँ। और आप भी अगर इसे एक बार ले लोगे तो 10 साल आप भी यूज़ करोगे। तो ये है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप, और आई नो कि आप सब जानते हैं कि ये एक पीरियड के लिए यूज़ होता है और मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके आसपास रहते हैं, आपसे लो या फिर जो भी आते हैं उनको नहीं बताए, या जो नई गर्ल्स हैं उनको इसके बारे में बताइए। और मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, एक बार खरीदिए और नो पैसा खर्च करना, और इको फ्रेंडली। आप जानते हैं हम पैड इधर उधर गंदी जगह नहीं फेंकते हैं, तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सा स्टेप ले रही हूँ। तो ये है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप, जरूर ट्राई करिए मेंस्ट्रुअल कप मेरे कहने से एक बार, और उसके बाद देखिए लाइफ टाइम आप इसके दीवाने हो जाओगे। तो वो टॉपिक से नहीं भटकते हैं और चलिए चलते हैं आज ही हमारे ड्रिंक की तरफ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बहुत मतलब जो आपके पास सबसे बड़ा घर में ग्लास हो उतना बड़ा ग्लास का पानी चाहिए, और आपको चाहिए इसमें 1 चम्मच अदरक घिसी हुई, वो आपको डालनी है। एंड सेकंड इंग्रेडिएंट है, फुल वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, बिकॉज छानने के बाद भी इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, और 1/2 टेबल स्पून के लगभग आपको इसमें मेथी दाना ऐड करना है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इन्फ्यूज़ करना है, यानी कि एक से बहुत अच्छे से जब बबल्स आने लगे देन उसके 1-2 मिनट बाद आपको लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से जो है इसमें सारे एक्सट्रैक्ट आ चुके हैं। तो अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बताएंगे कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना बड़ा ग्लास लिया है और मोस्टली मैं इतना बड़ा ही ग्लास प्रेफर करती हूँ गर्म पानी पीने के लिए, और आपको इसे स्ट्रेन करना है। तो ये मैंने जो है वाटर स्ट्रेन कर लिया है। इसके बाद आपको 4 लहसुन के करीब इसमें क्रश करके, जैसे मैंने इसे क्रश किया हुआ है, क्रश करके डाल देना है और इसे ढक के 1 से 2 मिनट रख देना है। अगर आप ये जो लहसुन है खौलते पानी में डाल देंगे तो लहसुन के सारे एक्सट्रैक्ट मर जाएंगे और वो बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं देंगे, इसीलिए हमेशा पानी गर्म पानी में डालिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर में आके वो रहे। तो 1 से 2 मिनट बाद ये जो है आपका ड्रिंक पीने लायक हो जाएगा, और रोज़ सुबह आपको इसे मॉर्निंग में पीना है, और इसके बाद देखिए कि क्या मैजिक होने वाला है आपकी बॉडी पे। एक बार ट्राई करूँ जरूर करिएगा, जैसा रिव्यू हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ड्रिंक को बनाना बहुत आसान है, पूरी सर्दियाँ आप इसे लेते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यूरिन बहुत अच्छे से बहुत क्लियर पास होगा।
इवन जिन लोगों को पथरी की भी प्रॉब्लम रहती है या फिर पथरी जल्दी जल्दी हो जाती है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहे हो, बॉडी डिटॉक्स कर रहे हो। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।